भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेस के नाम से सुमार अक्षरा सिंह के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है जो उनको खुश कर सकती है। जल्द ही अक्षरा सिंह ने राजनीतिक में एंट्री कर ली है। वे किस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, पूरी खबर जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बॉलीवुड और भोजपुरी के कई एक्टर और एक्ट्रेसेस की राजनीति में एंट्री करने की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच भोजपुरी में अपनी अदाओं से तहलका मचाने वाली अक्षरा सिंह का नाम भी काफी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल अक्षरा सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि भोजपुरी फिल्मों की बेहतरीन एक्ट्रेस अक्षरा सिंह फिल्मों के बाद राजनीति में हिट होने की तैयारी। दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। बता दें कि अक्षरा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में शामिल होने का फैसला कर लिया है। अक्षरा अब पटना साहिब या पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। पार्टी में जुड़ने के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस ने बताया कि करीब 2 महीने पहले जन स्वराज अभियान से जुड़ने का उनके पास ऑफर आया था। अक्षरा ने कहा कि फिलहाल वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि एक अभियान से जुड़ रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में मौका मिला तो जरूर वे चुनाव लड़ेंगी। वहीं मीडिया से बात करते हुए अक्षरा सिंह ने कहा कि मैं बिहार की बेटी हूं और बिहार को सजाना संवारना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की सोच से प्रभावित होकर जन स्वराज अभियान से जुड़ रही हूं। जब उनसे पूछा गया कि मनोज तिवारी और निरहुआ जैसे भोजपुरी एक्टर एक उम्र के बाद राजनीति में आए हैं, कहीं आपने जल्दबाजी तो नहीं कर दी, तो अक्षरा ने कहा कि यही सोच तो अब बदलनी है, राजनीति में अब यूथ को आने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर अक्षरा सिंह अपनी राजनीति में एंट्री को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। अब जनता उन्हें राजनीति के गलियारों में स्वीकार कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।